हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं आनंद जी टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube की तरफ से 4 नए अपडेट आए हैं, तो मैं जल्दी से आपको फटाफट बता देता हूँ कि वो कौन कौन से अपडेट आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पहला जो अपडेट निकल करता है वो ऑडियंस सेक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब आप ऑडियंस सेक्शन में जाएगा तो आपको 2 नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिटर्निंग व्यूवर्स और न्यू व्यूवर्स। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ एक थोड़ा ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको 2 कलर दिखाई देगा, एक पर्पल कलर दिखाई देगा और एक स्काई कलर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, पर्पल कलर का मतलब हुआ रिटर्निंग व्यूवर्स और स्काई कलर्स का मतलब हुआ न्यू व्यूवर्स। तो आपको अब मैं बता देता हूँ कि रिटर्निंग व्यूवर्स क्या है और न्यू व्यूवर्स क्या है। तो दोस्तों देखिए, रिटर्निंग व्यूवर्स मतलब हुआ जो आपके पुराने सब्सक्राइबर। जी हाँ दोस्तों, जो आपको पहले से देख रहे हैं, जो आपके पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो इसमें आप जो है ना पर्पल कलर को देख करके यहाँ से ग्राफ में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपके वीडियो को पुराने सब्सक्राइबर, आपके पुराने जो व्यूवर्स हैं वो आपको कितना देख रहे हैं और न्यू व्यूवर्स। जी हाँ दोस्तों, ये और ये इसका कलर को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके नए जो व्यूवर्स हैं, जो आपके चैनल पर नए विजिट किए हैं, वो आपके चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं वो कितना देख रहे हैं। तो इसमें जो ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा तो आप इसके मदद से आप समझ सकते हैं कि आपके नए सब्सक्राइबर या नए व्यूवर्स आपको ज़्यादा देख रहे हैं या पुराने सब्सक्राइबर जो है आपके ऑलरेडी वो आपके वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक मोटा मोटा आइडिया उठ जाएगा कि आपके चैनल पे किस तरह के लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। इससे आप अपने ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे कि आपके पुराने ऑडियंस कितना देख रहे हैं आपके चैनल को, नए जो व्यूवर्स हैं, जो नए आपके चैनल पर आए हैं वो कितना आपके वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। और इसी में दोस्तों हम अगर दूसरा अपडेट की बात करें तो टोटल मेंबर्स को। जी हाँ दोस्तों, आपको टोटल्स मेंबर आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के चैनल पे आपको एक ज्वाइन। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप से आपको मैं स्क्रीनशॉट पर भी दिख रहा होगा कि ज्वाइन लिखा हुआ इस टाइप का दिख रहा होगा। तो दोस्तों पहले जो था आप ये डेस्कटॉप पे ही लोग देख पाते थे कि अंदर जाकर के चैनल पे कि भाई मेरे चैनल पे मतलब कितने लोग ज्वाइन किए हैं या कितने लोग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब जो आप अपने YouTube स्टूडियो मोबाइल पर ही आप देख सकेंगे कि आपके चैनल पर लोग कितने ज्वाइन किए हैं और कितने ज्वाइन करने वाले हैं, और आप में इसको भी ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको पर्पल और स्काई कलर, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 2 कलर दिखाई देगा। जो पर्पल कलर है ये आपके टोटल मेंबर को शो करेगा और जो स्काई कलर है ये आपको एक्टिव मेंबर, जो आपको चैनल को ज्वाइन करने वाले हैं या अभी ज्वाइन जस्ट किए होंगे वो आपको एक्टिव मेंबर उस टाइप का ये दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी में एक चीज़ और आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप जाइएगा लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, जी हाँ दोस्तों, जब आप इस ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको अब यहाँ CTR का ऑप्शन यही दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पहले आपको अंदर में थोड़ा दिखता था लेकिन अब आपको ऐसे ही दिख जाएगा, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। जी हाँ दोस्तों, CTR जिसे हम बोलते हैं, ये आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ से ही, आप कोई ज़रूरत नहीं है, पहले क्या था कि आपको YouTube स्टूडियो में नहीं दिखता था, ये आपको डेस्कटॉप सब पे दिखता था, अब आपने YouTube स्टूडियो के मोबाइल पे ही ऊपर में ही आपको ये दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे अपडेट की बात करें तो यह है करेंसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं आपको जो यूट्यूब पैसे देती है वो डॉलर के फॉर्म में, जी हाँ दोस्तों, USD डॉलर जो होता है अमेरिकन पैसा, वो उसके उसमें आपको देती है। और वहाँ पर आपको जो आप देखते होंगे, चेक करते होंगे अपने मोबाइल पे या सिस्टम पे, तो आपको वो रेवेन्यू में चेक करते हैं तो आपको डॉलर के फॉर्म में दिखता होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब क्या है दोस्तों कि आप अपने जो आपके कंट्री में पैसा चलता है, जी हाँ दोस्तों, आप उसको अपने करेंसी के अनुसार देख सकते हैं। जैसे आप पहले डॉलर में देखते होंगे तो आप जो उसको चाहिएगा तो रुपीज़ में कितना रुपया हुआ वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको डॉलर का कितना भाव चल रहा है इंडिया में और उसके रुपीज़ से गुना करके देखते थे पहले, तो अब डायरेक्ट आप ऐसे ही आपको दिख जाएगा कि आपको का कितना रिवेन्यू बना है, कितना पैसा है, तो आप डायरेक्ट रुपीज़ में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही था दूसरा। दोस्तों अगर तीसरी अपडेट की बात करें तो ये है स्टूडियो मोबाइल बटन नेविगेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि जैसे आप YouTube स्टूडियो में जाइएगा तो ये आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये पहले था कि अभी शायद बहुत को नहीं मिला होगा दोस्तों, लेकिन आप कुछ दिन का वेट कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। इसका अभी ट्रायल चल रहा था तो इसीलिए बहुत को दिया गया था और बहुत को नहीं दिया गया था, तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको भी अगर नहीं मिला है तो जल्दी ही मिल जाएगा। तो यही ऑप्शन है तीसरा। दोस्तों अगर चौथे अपडेट की बात करें तो ये है टॉप वीडियोज ग्रोइंग योर ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हुआ देखिए, जैसे आपके चैनल पर जब आप YouTube स्टूडियो के ऑडियंस में जाइएगा वहाँ आपको अब दिखाई देगा कि जैसे आपके चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें आपका वीडियो कौन सा वीडियो है जो ज़्यादा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कौन है जो ज़्यादा चल रहा है, जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और कौन सा वीडियो है जो नहीं चल रहा, जो लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा दोस्तों कि किस टाइप का वीडियोज आपको आपके ऑडियंस को पसंद है उस टाइप का वीडियो बनाइएगा, कौन सा वीडियोज आपके ऑडियंस को नहीं पसंद आप उस टाइप का वीडियो नहीं बनाइएगा।
तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको देखिए स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, आपको इस टाइप से आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा वीडियो आपको बनाना चाहिए, किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए जो आपके चैनल पर लोगों को पसंद आ रहा है, तो जो आपके वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। तो यही था दोस्तों चार अपडेट जो YouTube की तरफ से आए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।